आप अपने बैंक अकाउंट को आधार NPCI से लिंक कैसे करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक किया है ऑनलाइन घर बैठे। पहले यहाँ पर आर्यावर्त बैंक लिंक था, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हम लिंक कर चुके हैं। अब जब हम अपने अकाउंट को आधार NPCI से लिंक कर लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, सबसे पहले आप वह देखिएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप है इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद लॉगिन हो जाती है। तो हम इस ऐप में लॉगिन हो चुके हैं, मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं। अब जब हमने अपने अकाउंट को आधार NPCI से लिंक किया तो जो भी हम यहाँ पर गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो उसका जो भी सब्सिडी मिलता है वह अब हमारे अकाउंट में आने लगा। जैसे आप यहाँ पर प्रूफ के साथ दे सकते हैं, और जो भी यहाँ पर PM किसान और यहाँ पर जो भी PM किसान सम्मान निधि योजना है उसमें जो हमको 2000 रुपये मिलते हैं वह भी यहाँ पर अब हमारे अकाउंट में आने लगे, लेकिन पहले नहीं आते थे। तो अपने अकाउंट को आधार NPCI से लिंक करेंगे तो हमको यही बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ पर अपने अकाउंट को आधार NPCI से लिंक करने से पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आपका कहीं पहले से कोई अकाउंट आधार NPCI से लिंक तो नहीं है। तो वह जानने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI। उसके बाद यहाँ पर जो पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप सिंपली डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा देखने को मिल रहा है इसी कैप्चा को आपको यहाँ पर सेम एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर बड़ा आया सर, उसके बाद बड़ा भाई, तो यहाँ पर सेम एंटर कर देना है। आप यहाँ से नजा कैप्चा भी ला सकते हैं। तो अब यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो सेंड OTP का ऑप्शन मिल रहा है आपको इसी पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर से आपको बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी अकाउंट आधार NPCI से लिंक होगा वह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपने कब लिंक किया है वह भी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर इनएक्टिव लिखा आ रहा है तो वह अकाउंट आपका पहले आधार NPCI से लिंक था लेकिन अब इनएक्टिव हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर हमारा यह बैंक लिंक है, अब अगर हम अपना बैंक ऑफ बड़ौदा लिंक करना चाहें आधार NPCI से तो वह भी लिंक कर सकते हैं, और जो पैसा था फिर हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रेडिट होगा। अगर हमको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार NPCI लिंक करना है तो यहाँ पर BOB वर्ल्ड ऐप को ओपन करेंगे। अगर हम पंजाब में लिंक करना चाहते हैं तो PNU1 एप्लीकेशन से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, BOB वर्ल्ड ऐप को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद तो जैसे ही आप BOB वर्ल्ड ऐप में लॉगिन हो जाते हैं आपके सामने इस ऐप का प्रकार इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपने BOB अकाउंट को आधार NPCI से लिंक करने के लिए मोर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो आपको यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट यानी जो रिक्वायर्ड सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप दे सकते हैं रिक्वेस्ट सर्विस। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे आधार अपडेट का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। यहीं से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट को आधार NPCI से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधार अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेप बताई गई है कि आप किस तरीके से अपने BOB अकाउंट को आधार NPCI से लिंक कर सकते हैं।
तो वह आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट अकाउंट करेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सीडिंग टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सीडिंग टाइप में आप यहाँ पर जो DBT वाला ऑप्शन है उसको जरूर सिलेक्ट करें। जो भी सरकार का पैसा आता है सरकारी योजना का, वह यहाँ पर DBT के माध्यम से ही आता है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर, फिर से आधार नंबर बॉक्स पर टिक करके जनरेट OTP करेंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट वहाँ पर सेंड हो जाएगा आधार MPCI से लिंक करने के लिए आपके अकाउंट को। उसके बाद आपको फ्यू डे वेट करना है और आपका अकाउंट सक्सेसफुली आधार MPCI से लिंक हो जाएगा। यही प्रोसेस हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किया था। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कर रहे हैं तो यही प्रोसेस आपको इस ऐप में करना है। सेम प्रोसेस होता है, बस इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने एक अकाउंट में आधार NPCI लिंक किया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वहां पर यह लिंक हो गया था, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत से यूजर्स का एक सवाल और रहता है, जैसे यहाँ पर हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक था, अब जैसे यहाँ पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को आधार NPCI से लिंक करने के लिए जाएं, तो क्या सबसे पहले जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक है उसको अनलिंक करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार NPCI लिंक करेंगे तो वह अकाउंट लिंक हो जाएगा और आपका ओल्ड वाला अकाउंट अनलिंक हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर हमारा आर्यव्रत बैंक लिंक था, लेकिन जब हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक किया तो वह बैंक हटकर अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक हो चुका है।